हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मैस विद आर्ना। इफ यू सब्सक्राइब माय चैनल, इफ यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1, 4q+3, 4q फॉर सम इंटीजर क्यू। मतलब हमारा अगर कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, तो वो किसकी फॉर्म में होगा? 4q+1 और 4q+3 की फॉर्म में होगा। तो देखो, यहीं से हमें पता चल जाएगा डिवाइजर क्या लेना है, 4। यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n को हमें किससे डिवाइड करना है, 4। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, क्यू क्वेश्चेंट होगा और r क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो हम अपना सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या है हम करते हैं, फॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर n होगा, ठीक है, n होगा, और डिवाइड किसको करेंगे, n को 4 से, क्योंकि हमने हमने यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारा डिवाइजर क्या है, 4। तो हम इफ n इज डिवाइडिंग, हम n को किससे डिवाइड कर रहे हैं, n इज डिवाइडिंग बाय 4। जब हम n को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो लेट कर लो q बी द, हमारा क्या आएगा, क्वेश्चेंट आएगा, q बी द क्वेश्चेंट एंड r बी द रिमाइंडर। r हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, तो बाय यूजिंग, अब इसका हम यूज करते हुए, बाय यूजिंग क्या यूज करोगे आप, यूक्लिड डिवीजन लेमा। जब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करोगे तो आप क्या लिखोगे इसको, देखो n लिखोगे आप 4q+r, जहां पे जो आपका r होगा 4 से छोटा छोटा होगा और 0 या 0 के बड़ा होगा। तो अब आपके यहाँ पे केस क्या करेंगे, आप पुट करोगे r को 0, 1, 2, 3, 4 आप पुट नहीं कर सकते, जो डिवाइजर होता है उससे छोटा छोटा पुट करते हैं। तो हम केस फर्स्ट ले लेंगे इसमें, ठीक है, केस फर्स्ट ले लेंगे हम इसमें, पुट करेंगे r को 0 एन इज इक्वल टू 4q+0। आपका n क्या आया, 4q आया। n 4q आने का मतलब क्या है, n 4q आने का मतलब है कि ये क्या है, ये आपका इवन है, ठीक है, क्लियरली इट इज इवन। भाई 4 के टेबल में तो कभी ओड आता ही नहीं और ये 4 का मल्टीपल है, क्लियरली इट इज इवन, ये इवन है। अब हम क्या करेंगे, पुट कर दीजिए, केस सेकंड में पुट कर दीजिए आर को 1। जब हम आर को 1 पुट करेंगे तो एन आपका होगा 4q+1, ठीक है, ये होगा 4q+1 होगा। तो देखिए क्लियरली ये आपका इवन है, 4q इवन है, और इवन में जब भी आप 1 प्लस करते हो, इवन में जब भी आप 1 प्लस करते हो तो वो क्या हो जाता है, एड ओड हो जाता है, ठीक है, ओड हो जाता है, तो क्लियरली इट इज ओड, ये क्या है आपका, ओड है, ठीक है। केस थर्ड लेते हैं, केस थर्ड में आप पुट करिए r इज इक्वल टू 2, तो आपका n क्या हो जाएगा, आपका n हो जाएगा 4q+2, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 2q+1 आएगा, ठीक है, 2q+1 आया। अब ये 2 का मल्टीपल है, कोई भी इंटीजर, ये एक नंबर ही तो बैठेगा, तो ये हमारा 2 का मल्टीपल है, और 2 का मल्टीपल हमेशा क्या होता है, इवन, तो क्लियरली इट इज इवन है, ठीक है। केस थर्ड देखेंगे, केस फोर्थ में आप क्या करेंगे, पुट करेंगे आर को 3। जब आप आर को पुट करेंगे तो एन क्या आएगा आपका, 4q+3। तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 4q हम इसको 2+1 लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, 2q+1, इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लेंगे, 2q+1
और प्लस वन। तो देखो ये वाला नंबर क्या इवन है, क्योंकि ये टू का मल्टीपल है। और अगर इस इवन नंबर में आप वन को प्लस करते हैं, इस इवन नंबर में आप वन को प्लस करते हैं, तो ये क्लियरली क्या होता है, ऑड होता है। तो क्लियरली इट इज ओड। तो आपने क्या देखा, आपने देखा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ही हमारे ऑड आए हैं, बाकी दोनों हमारे क्या हैं, इवन आए हैं। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि 10 जो हमारा n होगा वो सिर्फ और सिर्फ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ही ऑड होगा, अदरवाइज वो ऑड नहीं होगा। ठीक है, तो हेंस या 10 लिख दीजिए, 10 इज इक्वल टू 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर, आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर फॉर सम इंटीजर क्यू। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, हेंस प्रूव करना था। ये सारे क्वेश्चन सेम है, बस तुम्हें क्वेश्चन को पढ़कर ये पता लगाना है कि डिवाइजर क्या होगा, फिर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, रिमाइंडर की वैल्यूज पुट करेंगे और जो भी क्वेश्चन में आपसे मांग रहा है आप उसको निकाल लेंगे। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।